यह औरत भयानक है। उसने बस अपना जादुई चाबुक हल्के से घुमाया, तब मैंने तलवार का रास्ता रोका, लेकिन उसके हाथ की तलवार तुरंत नरम हो गई। वह इस लड़के की जिंदगी बनना चाहती है। इसका मतलब यह भी है कि लड़के ने लड़ने की क्षमता खो दी है। महिला लड़के की ओर देखती है। उसके ठीक बाद एक चाबुक ने लड़के को घायल कर दिया। वह लड़का तुरंत पत्थर की मूर्ति में बदल गया। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह पहले व्यक्ति नहीं थे। सुपर शानदार विज्ञान हाई एक्शन फिल्म परम योद्धा, अब शुरू करें। यह युवक गंभीर बातचीत कर रहा है, लेकिन वह एक घोटालेबाज है। उसने महिला को विश्वास दिलाने के लिए बस यूं ही कुछ तरकीबें अपनाई। इस तरह इवान धीरे धीरे अमीर महिला के हाथों से पैसा कमा रहा था। पैसा कमाना इतना आसान है, असंभव। इतने सारे लोगों की धोखाधड़ी के कारण दुश्मन द्वारा पीछा किए जाने की स्थिति भी अक्सर बन जाती है, लेकिन इस बार उनकी काल्पनिक यात्रा शुरू होने वाली है। इवान के स्लाइड से कूदने के बाद कभी सामने के दृश्य ने उसे असमंजस में डाल दिया। पहला दृश्य जिसने मेरी नज़र खींची वह एक रहस्यमय जंगल था। एक अजीब बूढ़ा आदमी अचानक इवान के ठीक पीछे आ गया। उसने इवान को बताते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार आपसे मुलाकात हुई। आप इस दुनिया के आखिरी हीरो हैं। इस संसार का भाग्य आपके हाथ में है। इतना कहने के बाद उस अजीब बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से इवान को एक अंगूठी सौंपी। एक तीर अप्रत्याशित रूप से बूढ़े व्यक्ति की पीठ पर लगा। ठीक उसी तरह वह अजीब बूढ़ा आदमी जल्दी से प्रकट हुआ और जल्दी से गायब हो गया। इवान की आंखों के सामने शाही घुड़सवार सेना का एक दस्ता निकल रहा था, पूरी तरह से सशस्त्र सेना का सामना करें। इवान ने असहाय होकर अपने अल्टीमेट का फिर से उपयोग करने का निर्णय लिया। ठीक है, यह खत्म हो गया है। जाहिर है उसकी चालें हमेशा काम नहीं करती। ठीक वैसे ही हैरान चेहरे वाले इवान को महल में लाया गया, लेकिन जब राजा ने अंगूठी देखी तो उसने अपना रवैया बदल दिया। तुरंत मुझे और इवान को फोन करना शुरू कर दिया। यह पता चला कि इवान पिछला राजा है और इलिया का बेटा भी है। राजा ने तुरंत रानी से इवान के लिए एक कमरे की व्यवस्था करने को कहा। क्या यह रानी परिचित लगती है? सही, वह दुष्ट महिला है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई दी थी। और क्या इवान को सचमुच सबसे अच्छे कमरे में रहने का मौका मिला? नहीं, रानी ने सीधे इवान को अंधेरी काल कोठरी में बंद करने का आदेश दिया। इस भाग्य के उतार चढ़ाव पर इवान की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया, फिर एक बार फिर उनके ज्ञान को पूरी तरह पलट दिया। इवान ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके हाथ पैर और धड़ सब कुछ नष्ट हो गया था, बर्फ के विशाल खंडों में ठोस रूप से जमे रहना। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि वह आदमी अभी भी जीवित है। ठीक उसी समय जब इवान संदेश से भर गया, वासिलिसा और बाबा यागा अचानक कोठरी में घुस आए। तुम दोनों ने कोशी को बांधने वाली लोहे की जंजीर को काट दिया, फिर कोष्ठी के धड़ को फिर से एक साथ लाए। कोष्ठी अपनी मांसपेशियों को ऐसे शिथिल करता है जैसे कोई बोझ उतार दिया गया हो। यह पता चला है कि इवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने के लिए कोष्ठी हजारों वर्षों से यहाँ इंतजार कर रहा है। उन्होंने इवान को 2 पौवे के पैरों वाले एक छोटे से घर में रखा। घेराबंदी तोड़कर आखिरकार बाहर निकले। आखिरकार वे पीछे से पीछा करने वालों से बच निकले। इवान का सामना करना जो सहयोग करने से इनकार करता है, कोष्ठी सच बताता है। पता चला कि वे हमेशा तलवार की तलाश में रहते हैं, और केवल इवान ही उन्हें उस छिपे हुए खजाने की तलवार ढूंढने में ले जा सकता है। कोष्ठी भी इवान से सहमत है कि जब तक उसे तलवार मिल जाएगी वह इवान को वापस लौटने में मदद करेगा, और यह सड़क निश्चित ही खतरनाक होगी। कोष्ठी ने मदद के लिए एक पुराने दोस्त को ढूंढने का फैसला किया। इस तरह वे एक उदास दलदल में पहुंच गए। उन्होंने वासिलिसा को दलदल के किनारे अकेले बैठने के लिए कहा। बाकी लोग अंधेरे में छिपकर हमला करने के मौके का इंतजार करेंगे। निश्चित ही कुछ ही देर बाद पानी से एक राक्षस निकला। राक्षस ने वासिलिसा की ओर देखा और लार टपका दी। फिर वह बेतहाशा उसकी ओर तैरा। एक राक्षस दलदल के पास बैठी एक लड़की को घूर रहा है। वासिलिसा ने उसके बालों को सहलाया। राक्षस ने देखा कि कोई नहीं है तो वह पागलों की तरह वासिलिसा की ओर तैर गया। जैसे ही राक्षस ने कार्रवाई की, एक झींगा मछली चुपचाप राक्षस के कंधे पर चढ़ गई। झींगा मछली की बुद्धिमत्ता सुनने के बाद राक्षस के चेहरे की मांसपेशियां तुरंत सख्त हो गईं। फिर राक्षस इसे सूंघने के लिए अपनी नाक का उपयोग करता है। पता चला कि वासिलिसा के शरीर से एक विशेष गंध आती है। क्रोधित समुद्री राक्षस ने तट पर वासिलिसा पर हमला करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से जो साथी शाम के समय छुपे हुए थे उनके पास तैयारी थी। वे राक्षस की उत्तेजित भावनाओं को दबाने के लिए बाहर निकले। पता चला कि राक्षस वही मित्र था जिसे कोष्ठी ढूंढना चाहता था। वह जल देवता भी है, क्योंकि केवल वही उन्हें मृत्यु की नदी पार करा सकता है। लेकिन जल देवता का भाव देख रहे हैं, शायद अभी लड़की से संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि बाबा यागा एक शानदार तरीका लेकर आए हैं।
उसने सेब के कोर के ऊपर जादुई औषधि की बूंदें छिड़क दी। तभी एक चमत्कारी दृश्य घटित हुआ। सेब बिल्कुल नए सेब में बदल जाता है। बाबा यागा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सेब उठाया और काट लिया। उसके ठीक बाद एक महिला जल देवता के ठीक सामने प्रकट हुई। बस जल देवता की अभिव्यक्ति को देखें और आपको यह पता चल जाएगा। इससे पता चलता है कि जल देवता का हथियार ऐसा ही है। जादुई तलवार की खोज में अपनी यात्रा जारी रखने के लिए सफलतापूर्वक जल देवता को ले आए। और साथ ही रानी वरवरा अभी भी पीछा कर रही है। वह लोगों को भी इस दलदल में ले आई। वरवरा ने अपना जादुई चाबुक पानी में उठाया। दलदल का पानी तुरंत उबल गया। झींगा मछली को अपनी दिशा बतानी थी। दूसरी ओर वे उस घातक झील पर पहुंचे। झील में अनगिनत विशाल सॉटूथ मछलियों का सामना करें। इस बार अंततः जल देवता की भूमिका निभाने की बारी है। दो महिलाएं जल देवता को झील में छोड़ती हैं। जल देवता की प्रस्तुति का इंतजार। क्या यह सचमुच प्रभावी है? बिल्कुल नहीं। पता चला कि मौत की झील अब उसके द्वारा शासित नहीं है। मछलियां जल देवता को देखती ही नहीं। जल देवता बेहोश होकर एक कुएं में घुस गए। इसी समय वरवर की सेना ने पूरे स्थान को घेर लिया। उन्हें एक साथ कुएं में कूदना पड़ा। बाबा यागा ने भी अपना मूल स्वरूप बहाल कर लिया है। इससे जल देवता को एहसास होता है कि कुरूप व्यक्ति वे ही हैं। हालांकि उनके दिल अनिच्छा से भरे हुए हैं। अगर वे इसी तरह जारी रहे तो वे सभी अपनी जान गंवा देंगे। जल देवता एक पल के लिए झिझके। उसके तुरंत बाद उसने पानी में गोता लगाया और कुएं का सारा पानी अपने पेट में खींचने के लिए अपना मुंह खोला। फिर वे भी कुएं की तली में गिर पड़े और पता चला कि इस जगह पर अप्रत्याशित रूप से एक निकास है। वे जल देवता को लेकर जाने वाले थे, लेकिन जल देवता अब और नहीं हिल सकते थे। जल देवता ने उन्हें बचने के लिए समय देने के लिए अपने शरीर का उपयोग करके खुद को बलिदान करने का फैसला किया। विषाद के साथ उनके अलग होने के बाद तत्काल स्थिति। केवल जल देवता के पास निकास को अवरुद्ध करने की कुछ शक्ति बची थी। और अब वरवरा कुएं की तली तक पीछा कर चुका था। इस दुष्ट स्त्री को देखकर जल देवता ने पानी का एक बड़ा कौर उसके चेहरे पर थूक दिया। अभी चेहरा खो गया था, अब लगता है वापस मिल गया है। वरवरा पलक झपकते ही जल देवता को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है। कुएं के पानी की एक बड़ी मात्रा ने जल देवता का नियंत्रण खो दिया। जल देवता के शरीर से सारा जल बह निकला। लेकिन फिर भी वे वरवरा की सेना द्वारा पकड़े जाने से पहले ज्यादा दूर नहीं पहुंचे। इवान आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गया जहां जादुई तलवार छिपी हुई है। और शक्तिशाली जादुई तलवार छिपी हुई है। वरवर के चाबुक के तहत इवान ने लापरवाही से एक लकड़ी का डंडा उठा लिया। इवान के हाथ में जो साधारण लकड़ी का डंडा था वह अप्रत्याशित रूप से एक चमचमाती खजाने की तलवार में बदल गया। सही, आखिरकार पौराणिक जादुई तलवार प्रकट हो गई है। इवान खजाने की तलवार घुमाता है। महान शक्ति तुरंत जारी की गई थी। एक लकड़ी का डंडा अद्वितीय शक्ति की बहुमूल्य तलवार में बदल गया। इवान ने अपनी तलवार हल्के से घुमाई और वरवरा के पीछे के घोड़े को नीचे गिरा दिया। इवान ने जादुई तलवार कोशी को सौंप दी। और जैसे ही इवान कोशी को वास्तविक दुनिया में वापस लाने का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक राजा प्रकट हो गए। इससे पता चलता है कि कोशी जो अमर रत्न है वह राजा के हाथ में है। कोशी ने मनी के बदले में तलवार का इस्तेमाल किया, परंतु राजा ने उसे जो बहुमूल्य पत्थर दिया वह नकली था। अमरता का असली रत्न वरवरा में है। और इस समय वासिलिसा द वाइस ने, जबकि राजा ध्यान नहीं दे रहा था, राजा को धक्का दे दिया। जादुई तलवार जमीन पर गिर गई। इवान ने अपने बगल के दो सैनिकों को नीचे गिरा दिया और जादुई तलवार उठा ली। राजा और रानी वरवरा की भयभीत आंखों को देखकर साथियों को पता चल गया कि सब कुछ ठीक है। क्या यह उल्टा होने वाला है? असंभव। इवान के हाथ में एक जादुई तलवार है, लेकिन वह दुश्मन पर हमला नहीं करता। फिर एक को झुलाने का प्रयास करें। वास्तविक दुनिया के लिए एक पोर्टल खोला गया है। इस खतरनाक समय में बिल्कुल अप्रत्याशित। इवान ने फिर भी अपने साथियों को नहीं बचाया, बल्कि अकेले ही अपनी दुनिया में लौटने का फैसला किया। हालांकि इवान अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए हैं, शायद इवान के दिल में अभी भी एक स्पष्ट पछतावा है। अपराध बोध की भावना ने इवान को स्थिर कर दिया। वह उस काल्पनिक दुनिया में वापस जाना चाहता है, लेकिन उसके अजीब व्यवहार के कारण उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन कैसा संयोग है, पुलिस स्टेशन में इवान की मुलाकात एक अजीब बूढ़े व्यक्ति से होती है जिससे वह पहले भी पुनर्जन्म में मिल चुका है। बूढ़े आदमी ने हवा में एक पोर्टल बनाया। इवान ने भंवर में कूदने में संकोच नहीं किया। उसी समय इवान के साथियों को महल में ले जाया गया। राजा और रानी शानदार पोशाक पहने हुए हैं, क्योंकि आज एक खास दिन है। कभी जादुई तलवार में अमर रत्न प्रवेश कर गया, कब शायद कोशी की तरह ही अमरता की शक्ति प्राप्त हो जाए। और इसी समय इवान अचानक महल में प्रकट हुआ। इसके अलावा उसने राजा को रोकने के इरादे से अपना हथियार निकाल लिया, लेकिन राजा ने फिर भी मनी को ग्रहण के साथ जादुई तलवार के अंदर जड़वा दिया। राजा धीरे धीरे इवान के पीछे खड़ा हो गया।
इस समय चाहे इवान राजा पर कितना भी हमला करे, राजा को कुछ नहीं किया जा सकता। होस्टी जानता है कि राजा के पास पहले से ही अमरता की शक्ति है। जादुई तलवार और मनी एक साथ आ गए हैं। राजा को कमजोर करने के लिए इवान ने धोखा दिया। उसने राजा के हाथ से जादुई तलवार गिरा दी। नायकों के बीच द्वंद्व को अंजाम देना चुनना। नश्वर मांस का इवान, वह राजा का विरोधी कैसे हो सकता है? जल्द ही इवान को राजा द्वारा बार बार पीटा गया। राजा को इवान को घटना की सच्चाई बताने में प्रसन्नता हुई। यह पता चला कि सबसे पहले सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण तो राजा और रानी भी पत्थर में बदल गए इवान के पिता हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जादुई तलवार को नियंत्रित करने की शक्ति केवल इवान के पास हो सकती है। लेकिन अभी इस आखिरी नायक को राजा ने पैरों तले कुचल दिया है। लेकिन कोष्ठी हाथ में मनी लिए हुए राजा के ठीक सामने खड़ा था और दोनों के दिल बहुत साफ हैं। यह रत्न दो लोगों के जीवन को बांधे हुए है। मनी नष्ट हो जाने पर तुम दोनों राख में बदल जाओगे। लेकिन जब राजा ने कोष्ठी को देखा तो उसे पता चल गया कि चीजें ठीक नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, कोशी ने मनी को हवा में उछाल दिया। फिर जादुई तलवार घुमाओ, नीचे रास्ता काटे। मनी अनगिनत टुकड़ों में बदल गई। पत्थर नष्ट होने के साथ साथ राजा भी तुरंत राख में बदल गया और उसी समय कोष्ठी भी धूल में मिल गया और राजा के साथ मर गया। रानी खिड़की के रास्ते महल से भाग निकली। इसके साथ ही जो लोग रानी से डर गए थे वे अंततः जीवित हो गए। वह शांतिपूर्ण दिन एक बार फिर सबके मन में लौट आया है। फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आया तो मुझे फॉलो करें पर क्लिक करें, क्योंकि अगले सप्ताह की फिल्में वाकई अच्छी हैं।